सिद्दीक जान इमरान रियाज और दीगर साफी क्यों मुस्तफेज नहीं हो सकेंगे ये वो नुकता है जो आपको किसी और जगह शायद न मिले वो मैं आपके सामने रखूंगा आर्मी चीफ के बाद आज कुछ जजक जो है वो भी सोशल मीडिया के बड़े दीवाने निकले हैं आखिर ये मामला क्या है इस पर भी आम तफसी आपके सामने रखनी है उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे जिस अंदाज के अंदर गुजशत रोज पाकिस्तान तरीक इंसाफ की मुल्क भर के अंदर रैलियां निकली हैं लाखों लोग सड़कों पर आए हैं पिछले दो साल की इंतकामी कार्रवाइयां वो उसके सामने मांद पड़ गई और ऐसे लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना की जो सरकारी रैलियां जो कंपेन पिछले पंद्रह बीस दिन के अंदर चलाई गई थी जो तासर कायम किया गया था जो मीडिया मैनेजमेंट हुई थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाउंड किया जा रहा था वो सारी मेहनत जाया होती दिखाई दे रही है अब ये तासर दिया जा रहा है इमरान खान माफिया मांगेगा तो उसको छोड़ा जाएगा मेरा ख्याल है ये आवाम से माफी मांगनी पड़ेगी सबको आवाम से माफी जब तक नहीं मांगेंगे ये आवाम आपको अब माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मसला किसी शख्सियत का नहीं होता ये रियासत का मामला होता है और रियासत आवाम से बनती है आवाम के बगैर अगर आवाम न रहे तो आप किस पर हुक्मरानी करेंगे तो बहर ये एक बड़ा मामला इसने पूरी गेम जो प्लान है उसको चौपट करके रख दिया और अगर इसी तरह 8 फरवरी को लोगों ने वोट कास्ट किया टर्न ओवर ज्यादा रहा और फिर रिजल्ट लेने का पैरा दिया हार पोलिंग बूथ पर अगर चार चार तीन तीन सौ लोग अगर खड़े करने में तरीके इंसाफ कामयाब हो गई तो कोई इतना बड़ा जो बदमाश है वो खा किसी भी लिबादे के अंदर हो वो अपना काम शायद ना कर सके अब यहां पर मैं आपके सामने रख रह रहा हूं एक तो आपको एफ आई ए ने कुछ सहाफियों को और डिजिटल मीडिया से वस्ता हैं और आम जो लोग हैं या वकला है उनको नोटिस जारी किए काजी फायदा ने बल्ले का निशान छीना उससे पहले फौजी अदालतों के फैसले आए फिर कुछ ऐसे मशकूक फैसले जिनको आम लोग गैर आईनी गैर कानूनी समझते हैं या काजी साहब की जो माजी के अंदर एक शख्सियत थी उससे उसका तजाद समझते हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद लोग समझते हैं कि वो अस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर आ गए यानी नून लीग एस्टेब्लिशमेंट और काजी साहब वो एक पेज पर है और ये जो फैसले है अब वो नीचे से लेकर ऊपर तक उसका एक पेज बगैर नजर भी आ रहा है और ये पहले भी होता रहा है कोई ये पहली मरतबा तो वन पेज नहीं है पहले भी होता रहा है इमरान खान साहब के दौर के अंदर हुआ उससे पहले नून लीग के दौर के अंदर भी हुआ लेकिन उस वक्त इतना जुल्म नहीं था इतनी बदमाशी गुंडागर्दी नहीं थी कि वो जजस जो है उसको दिफा करें लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह लोगों के घरों पर हमले करना औरतों की तस्दीक करना बच्चों को टार्चर करना कारोबार बंद करना गुंडे बदमाशे मवालियों की तरह और किसी दुश्मन मुल्क के शख्स की तरह जो है वो घुसना पाकिस्तान के आम शहरियों के आइनी कानूनी हकूक को पमाल करना ये नंगी बदमाशी ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है इस तरह कभी नहीं हुई यानी सोशल मीडिया का दौर है कोई खौफ ही नहीं है यानी लोग कहेंगे कि ये बेशरम है उस बेशरम कहने की भी कोई परवाह नहीं है तो आम लोगों के जो हकूक है, हैं वो मुतासर हुए अब इस पर जो है, वो देर है। ये बड़ी परेशानी की बात है लेकिन सहाफी जो है वो समझ रहे हैं कित के बावजूद कादिफायद ईशा फायदाबाद धरने का केस का फैसला दिया उसमें हीरो बने लेकिन कादिफायसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उसके बाद जो वो बेंचेस की तश्ल कर रहे हैं जो वो हम ख्याल जजस को साथ बैठाते हैं ये जो सारा मामला है वो काफी बदल गया है अब जहरा इस तनकीद को जवाब बना के हमारे कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं इदारों के अंदर उन्होंने कहा काजी साहब के कंधे पे रख के अपनी जो स्कोर है वो सेटल करते हैं तो सहाफियों जिन जिन्होंने जिन तनकीद की उनको उन्होंने नोटिस जारी किया और आज काजी साहब की अदालत के अंदर ये दरख्वास्त जब समाप्त हुई तो काजी साहब ने कहा जो मुझ पर तनकीद करे जो मुझे गाली दे जो उसको बिल्कुल आप कुछ ना कहें तनकीद अगर कोई करता है तो वो करे अब यहां पे जो समाज हुई है वो मैं उसकी तफसी में नहीं जाऊंगा काफी लोगों से सुन चुके होंगे बताया दिखी और असतूर की दरखास्त है अब यह बेसिकली जब असतुर को अगवा किया गया मतियला जान भी अगवा हुए फिर एक यूट्यूबर है इमरान शफकत लेकिन हम उनको साफ ही कहेंगे चूंकि जो भी एक इस ग्रुप से ताल्लक रखता है वो साफ ही होता है खाब वो जितना नथु फू गिरा हुआ हो लेकिन उसको आपने साफ ही बोलना है और जो मुखालफ है जो इमरान जो आप समझें कि जो जरदारी और नवाज माफिया के मुखालफ हो जो काजी साहब के फैसलों के मुखालफ हो वो साफ ही नहीं है वो यूट्यूबर है यानी ये या वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है तो लिहाजा आज का जो फैसला आया है एक बात याद रखें वो सहाफियों के बारे में आया है और साफी कौन है जो नून लीग पीपल्स पार्टी और काजी साहब जो है और हमारे ताकतवर जो हल्के हैं इस वक्त वो एक पेज को तस्लीम करता हो या कम अज कम माजी के अंदर उनका बड़ा करीबी हिस्सा रहा हो तो वो साफी है और जो मौजूदा तारीफ के मुताबिक जो चूंकि जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक भी कहा गया है कि इतने साफी हैं और ये यूट्यूबर हैं और सदीक जान इमरान रियाज को यूट्यूबरों की लिस्ट के अंदर डाला हुआ है साफियों की लिस्ट में नहीं है ये असल में जो चीज है वो समझने वाली है लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दू वो जब उनको अगवा किया गया था तो उस वक्त साफियों को हरासा करने का एक मामला नोटिस लिया गया काजिफायद ईसा की तरफ से उनकी अदालत के अंदर कयूम सदीकी पहुंचे जिनको पी कहते हैं और वो पहुंचे काजी साहब ने एक्शन लिया तो ये चूंकि इख्तियार उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का था तो उन्होंने कहा भाई ये आप एक्शन नहीं ले सकते ये तो चीफ जस्टिस का अख्तियार है तो इस पर वहाँ उनकी लैदे भी हुई उस मौके पर और फिर वो इमरान शफक़त और आमर मिर जो इस वक्त पंजाब का एक वजीर है निगरान काबज वज़ी है और इंतहाई घटिया किस्म का आदमी है उसका आप वो देखें जो वो कंटेंट देता था या देता है तो वो इमरान खान के मुखालफ और उस वक्त के जजत के मुखालफ तो क्या वो जजत सुप्रीम कोर्ट नहीं थी तो उन जजत की कोई तोहन नहीं थी तो ये सारी चीजें हैं अब यहां पर जो है वो काजी साहब ने जब ये सारा कुछ हुआ एक्शन हुआ तो जहर काजी साहब का मुराल डाउन हुआ तमाम सहाफी उन्होंने कहा ये तो काजी साहब क्या हो गया साफियों को और सबको रगड़ा जा रहा है ये जब फीडबैक उन तक यकीन पहुंचा तो आज उन्होंने कहा कि मुझे अपनी ज़ात की कोई परवाह नहीं है लेकिन इदारा है और जो हकूक है अटॉर्नी जनरल साहब ये आप देख लें ये अब यहां पर मैं आपको बता दूं इस जो आज का हुक्मनामा है उसके मुताबिक चूंकि साफी की तारीफ पर जो इस वक्त मन घड़क तारीफ मार्किट के अंदर फैलाई जा रही है नून लीग का कोई दगड़ दल्ला है तो वो भी साफी की तारीफ पर पूरा उतरेगा मरियम नवाज का कोई जाति मुलाजम भी है ना वो अगर यूट्यूब पे प्रोग्राम करता है या वो आ, उसके खास एजेंडे पे चल रहा है वो साफी की तारीफ के अंदर है क्योंकि एक तबका है जिसका तकरीबन एक गलगला है उस जगह पे तो वो साफी की कोई बिलावल का दगड़दल्ला है तो वो भी साफी की तारीफ के अंदर आएगा लेकिन अगर कोई इमरान खान का हामी है और वो नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत को देनी है आमांगी होती है ना वो समझता है कि ये मुल्क के साथ बेहतरी नहीं हो रही यास्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज के वो खिलाफ है तो भाई इस तारीफ के मुताबिक याद रखें वो साफी नहीं है क्योंकि जो लिस्ट पब्लिश की गई है और जिसके अंदर जो रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक इमरान रियाज ये डॉक्टर मुहीदिरदा और इस तरह के जितने लोग हैं साबर शाहर ये यूट्यूबर है ये साफी नहीं है और जो मौजूदा किसी चैनल के साथ नहीं है उसको भी इसके मुताबिक साफियों की लिस्ट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया तो आज का जो हुक्म है मेरी नजर के अंदर जो मैं समझाऊ मुमकिन है मुझे कोई अलहदा समझा दे वैसे कोई फायदा पहुंच जाए दूसरों को तो वो मामला है वो पुरानी चीजें और असद तूर ने अपनी जो है, पुरानी वो वापस ले ली और वो समझते हैं मतीला जान और जीगर ने अब्दुल खजूम सदीकी ने ट्रैप करके उनका नाम इस्तेमाल किया और काजी साहब की एहलिया पर जो केस था चूंकि वो उनकी अमायत करते रहे तो उन मुझे पता भी नहीं था और ये मुझे नाम लिखवाया मैंने समझा सारे लिखवा रहे हैं तो ये ट्रैप करके तो मेरा वो जो एक था कि मैंने हामी हूं तो काजी साहब एक्शन लेंगे उससे फायदा उठाया गया तो आज उन्होंने वो दरखास्त वापस ले ली काजी का। साहब ने कहा हम आपको वापस नहीं लेने देंगे आपकी जो दरखास्त है आपको राइट का हमने फिर भी तहफ करना है जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं कि बस आगे बढ़ो मिट्टी पाओ अब काजी साहब को बंदा समझाए कि जिंदा कौमें माजी से ज्यादा हाल को संवारती हैं माजी तो समर नहीं सकता वो गुजर गया होता है उससे सिर्फ सीखा जाता है हाल के अंदर अमल किया जाता है आप भुट्टो केस खोल के बैठ गए माजी को दुरुस्त करने हाल में जो आपको शख्स भुट्टो बनता अडयाला जेल में नजर आ रहा है उसके हवाले से बुग्द नफरत का जो इजहार आपकी शख्सियत के अंदर जाहिर होता है वो बता रहा है कि आप मौजूदा शख्स को तो भुट्टो बनता शायद देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं

घरों के अंदर जो आम पाकिस्तानी है उनके घरों के ऊपर हमले हुए बच्चे टार्चर हुए और वो डेथ हुई बच्चे की वो आज भी आप देखिए बात फारूख का जो बच्चा है और फिर उनके चादर चार दीवारी का तकद्दस रोज पामाल होता है वर्दी और बगैर वर्दी के हुंडे उनके घर में घुसते हैं लेकिन काजी साहब आप बताइए जो रिपोर्ट होता है मैं तो वो आपके सामने रख रहा हूं ना क्योंकि गैर कानूनी काम कोई वर्दी में करे या बगैर वर्दी में करे वो गुंडा और बदमाश ही है दोनों मानों के अंदर वो कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं होती तो उस पर आपने सो मोटो क्यों नहीं लिया इलेक्शन का शिकार हुआ आप चीफ जस्टिस बने क्यों भाई सो मोटो नहीं लिया ये इन साफियों के राइट जरूर है मैं खुद मतलब है देरे हमारे सारे दोस्त हैं लेकिन इससे ज्यादा इनको फिजिकल अभी टार्चर नहीं किया गया चंद लोग जो पहले किए गए वो किए गए लेकिन यहां तो घरों पे हमले हो रहे हैं कारोबार तबाह हो रहे हैं उम्मीदवारों को यहां पे पहुंचने नहीं दिया गया अपने कागजात नामजदगी लेने के लिए उम्मीदवारों को पूरी जमहूरियत आयन वो सारा तमाशा करके तो अब आप बता रहे हैं काजी साहब के माजी से सीखना चाहिए भाई माजी से सीखने का मतलब है कि हाल को संवारें हाल को तबाह होने दे और माजी के आप केस खोल के, के बैठ जाए तो ये ये क्या मतलब है कोई फलसफा ये समझ में ना आने वाला है अब यहां पे हैं किसी भी साफी या आम शख्स को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते हुकूमत से यह भी पूछा जाए कि जे आई टी किसके कहने पर बनी ये अब्दुल कयूम सलीकी ने कहा फतवा देने वालों से बदतर और मनफी सोच किसी की नहीं हो सकती ये सारी चीजें मैं इस पर जो है वो डिटेल के अंदर चुके ये सारी चीजें नहीं जाती लेकिन दो जजज हमारी पूरी जो इस वक्त अस्टैब्लिशमेंट या फौजी की आदत है वो भी इस वक्त समझती है सोशल मीडिया आर्मी चीफ ने जैसे सलीम साफ़ी ने रिपोर्ट किया अपने कॉलम के अंदर कि उन्होंने कहा ये शैतानी है मैं कुरान से साबित कर सकता हूं यार आफत साहब मेहरबानी करें आप बहुत मोहतरम है आर्मी चीफ है मुफ्ती आजम न बने ठीक है आपने किया हुआ है मुफ्ती मुफ्त न बने आप अगर सोशल मीडिया शैतानी है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहमानी है ये लंबी डिटेल है और मैं समझता हूं आप मजहब को दीन को अपने इस पैराए के अंदर ना लेके आए आप काबिलाम है आर्मी चीफ है आप वो चीजें बयान किया करें बाकी आप साबित कर सकते हैं तो भाई आप जो है ना साबित नहीं कर सकते यानी वो बहुत सारी चीजें आप साबित नहीं कर सकेंगे लेकिन बहारन आप अब इसी तरह आज जो जजद है उन्होंने कहा हमारे मुल्क की इज्जत ये जज मुसरत उन्होंने रिवास दिए हमारे मुल्क की इज्जत बहुत खत्म हो गई है सोशल मीडिया ने इधारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं सोशल मीडिया ने नहीं पहुंचाया सोशल मीडिया के अंदर तजावत भी होता है गालम गलोच भी होता है गैर अखलाकी वो काबिल मजम्मत है लेकिन सोशल मीडिया एक हकीकी आयना है आपका जो बताता है कि आज से दस साल पहले आप क्या थे पांच साल पहले आप क्या थे दो साल पहले आप कौन क्या थे जब आपके सामने नवाज शरीफ का केस था तो उस वक्त आपका रवैया कैसे था जब इमरान खान का आया तो फिर कैसे था जब औदबिया पेपर मिल था उस वक्त क्या थे धर, फैजाबाद धरना केस के मौके पर क्या थे और अब इंतबात में तखीर और तरीके इंसाफ पर मदारम के वक्त आप क्या है ये सोशल मीडिया एक आईना है लेकिन शायद उसके अंदर तस्वीर थोड़ी सी बदली होती है और वो जो है वो नजर आ इसी तरह हमारे एक और जैसा है वो कहते हैं जैसे मोहम्मद अली मदर उनका थमनिल में कुछ लिखा होता है अंदर वो नहीं होता तो ये इसका मतलब है हमारे जहजद भी जो है वो खबरें तो सुनते हैं यूट्यूबर्स को सुनते हैं ये बात जो है वो बड़ी आम उन्होंने आज जो है वो किया बहरहाल अब दूसरी तरफ जो है वो अडियाला जेल के अंदर जो है एक مرتبہ फिर फड्डा पड़ा है वो जिस तरह साइफर केस के अंदर जो जज अबुल अफनादुल करनैन है वो तेजी के साथ ट्रायल हो रहा है और जो वहां पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने आज भी कहा है कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है ظلم हो रहा है हमारे वकला को हमारे फैमिली को हमें मिलने दिया जाए हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं उनको जरा करनी चाहिए जबरदस्ती सरकारी जो है वो मुदई है सरकारी मुनसफ है और सरकारी जहां पे गवाह बनी हुई है वकील बनी हुई है तो हम किस से जाएं जाए तो आज एक मरतबा फिर जो है वो ये फड्डा पड़ा है और इस मामले के अंदर जो है वो बताया गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी काफी गुस्से के अंदर आए हैं और उन्होंने इस पर जो कार्रवाई है दम इतमाद का इजहार वो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा जबरदस्ती ये कार्रवाई चलाते जा रहे हैं बारहलीस की कुछ तफसीत अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे इजाजत दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद